नमस्कार, जी हिंदुस्तान में स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं आदर्श दीक्षित। IPL 2021 में अब वो घड़ी आ चुकी है जब ये तय होगा कि IPL की चमकती ट्रॉफी किस कप्तान के हाथों में नजर आने वाली है। IPL के मौजूदा सीजन का चैंपियन कौन होगा ये इसी फाइनल में तय होगा। एक तरफ है चेन्नई सुपर किंग्स और दूसरी तरफ है कोलकाता नाइट राइडर्स। दोनों IPL चैंपियन पूर्व में भी रह चुके हैं। अब इस बार कौन चैंपियन बनेगा इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी आकाश। ये आपको बताएंगे कि कोलकाता और चेन्नई में से कौन एक दूसरे पर भारी पड़ेगा। आकाश, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स 3 बार की चैंपियन है और KKR 2 बार की चैंपियन है। क्या यही दोनों टीमें इस बार अपने अपने अभियान को तो आगे बढ़ा ही रही हैं, क्या चेन्नई की बराबरी कर पाएगा KKR 3 टाइटल जीत करके? बिल्कुल, जिस तरह से IPL के दूसरे चरण में KKR ने प्रदर्शन किया है 9 में से 7 जीत के साथ, वो सभी के लिए हैरान करने वाला। विपक्षी खेमा इससे काफी हतप्रभ भी है कि KKR ऐसा कर कैसे ले रहा है, जबकि उनकी बल्लेबाजी पर आप नजर डालें और गेंदबाजी पर नजर डालें, उनके बल्लेबाज जो मध्यम की बल्लेबाजी वो अभी भी सवालों में है। बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कप्तान मॉर्गन अच्छे फॉर्म से जूझ रहे हैं, बावजूद इसके जिस तरह से KKR ने कंसिस्टेंट जीत हासिल की। KKR के लिए यही बहुत शुभ रहा। बिल्कुल, कमाल की जीत उन्होंने हासिल की और कमाल की खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, जो लगातार लोग बात कर रहे थे और बहुत से हिंदुस्तान में चाहने वाले लोग थे कि इस बार कोई IPL का नया चैंपियन सामने है, चाहे वो RCB हो, पंजाब हो या दिल्ली हो, और दिल्ली से उम्मीदें थीं, लेकिन नया चैंपियन जो लोग खोज रहे थे वो इस बार भी नहीं मिलेगा। IPL की ट्रॉफी पुराने चैंपियनों के हाथ में ही रहेगी। देखिए, अनुभव का बड़ा वो होता है, महत्व होता है अगर आप IPL के बड़े मुकाबले खेलते हैं। दिल्ली और RCB के साथ यही देखने को मिला। दिल्ली अच्छा कर रही थी, लगातार अच्छा करती, बल्कि चेन्नई सुपर किंग लगातार 3 मुकाबला हार करा रही थी। पहले दिल्ली उससे मुकाबला हारी, फिर उसके बाद जिस तरीके से KKR से वो मुकाबला हारी, कहीं ना कहीं वो मानसिक मजबूती में उनके खिलाड़ियों में झलक नहीं रहा था, क्योंकि वो IPL के इतने बड़े टूर्नामेंट खेले नहीं। जैसा कि आपने अभी कहा भी कि चेन्नई 3 बार की चैंपियन और KKR 2 बार की चैंपियन, वो ऐसे स्टेज से गुजर चुके हैं। दिल्ली के लिए नया था, वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वो अपनी वो जो लय थी उसको बड़े बड़े स्टेज पर और अनुभव की कमी नजर आई। जब टीम को आक्रामक होना चाहिए था तब दिल्ली आक्रामक नहीं हो सकी। अच्छा आकाश, अब आगे बढ़ें और बात करें KKR की। जब आज KKR मैदान पर उतरेगा इयान मॉर्गन, तो मॉर्गन के दिमाग में 2-3 चीज़ें चल रही होंगी। एक तो ये कि धोनी सबसे सफल कप्तान है और KKR ने अपने इतिहास का पहला टाइटल इन्हीं MS धोनी की टीम को हरा कर जीता है, तो दबाव किस पर होगा, KKR पर या चेन्नई पर? क्या चेन्नई पलटवार करना चाहेगी, धोनी पलटवार करना चाहेंगे 2012 का बदला? देखिए, 2012 की कड़वी यादें हैं महेंद्र सिंह धोनी के साथ, वो जरूर पलटवार करना चाहेंगे, लेकिन दोनों टीमों का भी, क्योंकि KKR भी जो है खिताब लंबे समय बाद उठाने की फिराक में है और चेन्नई भी 3 बार उसको चौथे में वो कमाल करना चाहिए, वो चौथी बार ट्रॉफी उठाए, और महेंद्र सिंह धोनी के लिए हो सकता है आखिरी मौका हो जब वो एज ए कैप्टन जो है चेन्नई को चैंपियन बना रहे हों। तो मुझे लगता है कि दोनों ही टीमें कहीं ना कहीं दबाव में होंगी, लेकिन फिर से मैं कहना चाहूंगा कि दोनों टीमों के खिलाड़ी इतने अनुभवी हैं और ऐसे मुकाबले खेलने की उनकी ऐसी आदत है, तो मुझे ऐसा को दबाव महसूस करने देना चाहेंगे अपने ऊपर, बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। और धोनी की ये ताकत भी है कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में कूल रहते हैं। बात धोनी की ही कर लेते हैं, धोनी का फॉर्म कैसा है, और धोनी की कप्तानी तो अच्छी है लेकिन उनकी बल्लेबाजी आपको कैसी लगती है, क्या वो फिनिशर की भूमिका अदा कर पा रहे हैं ढंग से? देखिए, बिल्कुल, दिल्ली के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने जिस अंदाज में अपनी टीम को जीत दिलाई, कहीं ना कहीं यही बात है कि ऐसा खिलाड़ी, इतना बड़ा खिलाड़ी और खासतौर पर इतना अनुभव उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का या IPL जैसे खिलाफ के मुकाबलों का, उनको इतना अनुभव है कि उनके ऊपर दबाव नहीं पड़ता है कि वो कितने खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, मैटर ही नहीं करता उनके लिए। आपने देखा होगा कि उनकी टीम लगातार 3 मुकाबले हार करा रही थी, वो लगातार खराब परफॉर्मेंस से गुजर रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने दिल्ली के साथ जिस तरह से मैच खेला, जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। चेन्नई की मजबूती क्या है, ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी? मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़ उनकी बल्लेबाजी, क्योंकि अगर आप देखें तो महेंद्र सिंह धोनी का भी फॉर्म उतना कमाल का नहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं लगातार, रायडू भी उतने अच्छे लय में नहीं है। अगर गायकवाड़ जैसा खिलाड़ी, डुप्लेसिस जैसा खिलाड़ी आपको ठोस शुरुआत नहीं देता है, मुझे नहीं लगता कि चेन्नई की बल्लेबाजी इतनी अच्छी है कि 100, 150, 200 का आंकड़ा भी छू पाएंगे। अच्छा, और चेन्नई के साथ एक अच्छी चीज़ ये भी है कि हर मैच में कोई नया हीरो आ जाता है सामने, जैसे रॉबिन उथप्पा क्वालिफायर 1 के मुकाबले में खेले और उन्होंने रैना को का स्थान काट दिया, मुझे नहीं लगता फाइनल में रैना की जगह बनेगी। बिल्कुल नहीं बनेगी। देखिए, मैं पहले से भी कह रहा था कि उथप्पा को आपने देर से मौका दिया, उथप्पा जी अगर सुरेश रैना का लगातार खराब फॉर्म से गुजर रहे थे तो महेंद्र सिंह धोनी को चाहिए था कि पहले ही रॉबिन उथप्पा जैसे खिलाड़ी को मौका दें। तो रॉबिन उथप्पा को आपने 2 मैच में अच्छा नहीं खेले तब भी उन पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन वो ऐसा खिलाड़ी है, उसने ऐसा कमाल किया है IPL में, वो कभी भी अच्छा खेल सकता है। अच्छा आकाश, आप ओवरऑल किसे मजबूत मानते हो आंकड़ों के पिच पर अगर देखा जाए, चेन्नई या कोलकाता? देखिए, आंकड़ों के पिच पर अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं चेन्नई
काफी ज्यादा मजबूत है। 17 मुकाबले जो है चेन्नई ने जीते हैं और सिर्फ 9 मुकाबले अभी तक केकेआर ने जीते हैं, जबकि इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला हुआ है इलियन को, तो कहीं ना कहीं जो है चेन्नई ज्यादा मजबूत और चेन्नई मजबूत लगातार खेल भी अच्छा दिखा रही है। और चेन्नई के लिए कई मजबूती, सबसे बड़ी मजबूती धोनी ही है। केकेआर की बात करें अगर, तो केकेआर की मजबूती क्या है? मुझे लगता है उनकी गेंदबाजी की मजबूती है, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली और जिस तरीके से आरसीबी को अपनी गेंदबाजी के दम पर रोका है कम स्कोर पर, और गेंदबाजी में भी ऑब्वियसली मतलब क्या गेंदबाजी, वरुण चक्रवर्ती नरेंद्र उनके तेज गेंदबाजी, मावी भी अच्छी गेंदबाजी करे, तो कहीं ना कहीं फर्गुसन कहीं ना कहीं गेंदबाजी बहुत अच्छी है। मध्यक्रम की आपने बात आकाश शुरुआत में ही की थी, मॉर्गन को अब फॉर्म में आना चाहिए, कप्तान के रूप में भी उनकी टीम अच्छा कर रही है लेकिन वो खराब कर रहे हैं। देखिए दिल्ली के खिलाफ अगर आप मुकाबला याद करिए, मॉर्गन ने मैच फंसा दिया था बिल्कुल, और वो लगातार एक ऐसा नहीं कि एक मैच में उनका बल्ला नहीं चल रहा, किसी भी मैच में उनका बल्ला चल ही नहीं रहा है, उनसे रन बन ही नहीं रहे, रन बनाने की कोशिश में आउट हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अच्छा जैसी गलती उन्होंने दिल्ली के खिलाफ की अब नहीं लगता, अगर सीएसके के खिलाफ की तो ट्रॉफी यहां से चली जाए। देखिए आप महेंद्र सिंह धोनी के सामने खेलने जा रहे हैं, आपकी एक गलती आपको भारी पड़ सकती है और आप किताब चूक सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी गलतियों को बहुत भारी पड़ने वाली अगर ऐसी गलती हुई तो। अच्छा आकाश एक बार नजर डाल लेते हैं संभावित प्लेइंग 11 पर, सीएसके की प्लेइंग 11 आप बता दीजिए, कौन से अंतिम 11 खिलाड़ी होंगे जो धोनी के साथ मैदान पर उतरेंगे आज के फाइनल मुकाबले में? देखिए आज के फाइनल मुकाबले में बताओ सलामी बल्लेबाज अगर आप बात करेंगे तो मुझे फिर से फाफ डुप्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ आपको बताओ सलामी बल्लेबाज नजर आएंगे। इसके अलावा मोइन अली, रॉबिन उथप्पा, अंबाती रायडू, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, ग्वेन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और जोश हेजलवुड, ये सीएसके की संभावित प्लेइंग 11 होने जा रही है। अच्छा आकाश ये तो आपने बता दिया चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेइंग 11, अब नजर डाल लेते हैं एक बार केकेआर की अंतिम 11 क्या होगी, कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो दुबई के मैदान पर उतरेंगे केकेआर की ओर? देखिए उनके स्टार ओपनर हैं वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल, वो आपको बतौर सलामी बल्लेबाज नजर आएंगे। इसके अलावा राहुल त्रिपाठी जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं वो आपको नजर आएंगे। उसके अलावा नीतीश राणा, कप्तान कियान मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, सुनील नरेन, साकिब अल हसन, लॉकी फर्ग्यूसन, शिवम मावी और वरुण चक्रवर्ती, ये केकेआर की संभावित प्लेइंग 11 होगी। अच्छा आकाश आपने ये जो बताई है अंतिम 11, इसमें अगर हम पूरे इस फेज की बात करें या फेज 1 की बात करें केकेआर के लिए, वेंकटेश अय्यर और राहुल त्रिपाठी ये दो खिलाड़ी मैच विनर साबित हुए हैं बल्लेबाजों में, बाकी शुभमन गिल का उतार चढ़ाव भरा प्रदर्शन रहा लेकिन वो भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं। अब बात रही कार्तिक और मॉर्गन की, ये लोग आउट ऑफ फॉर्म है, तो क्या ये दो बल्लेबाजों के सहारे, वेंकटेश अय्यर राहुल त्रिपाठी के सहारे आप फाइनल जीत सकते हो या फिर इनमें से बीच में किसी को आना चाहिए जो जिम्मेदारी संभाले बल्लेबाजी? देखिए बिल्कुल आपने सही बात कही अगर, कि आप सिर्फ दो बल्लेबाजों के भरोसे या एक गेंदबाज के भरोसे आप आईपीएल का खिताब नहीं जीत सकते। आप ये अच्छी बात है कि केकेआर ने अच्छा खेल दिखाया है और कहीं ना कहीं उनको फायदा मिला, कभी वेंकटेश अय्यर उनके मैच के हीरो बन गए, कभी राहुल त्रिपाठी, कभी नरेंद्र, कभी फर्ग्यूसन, तो आप फाइनल में पहुंच गए। लेकिन अगर आपको फाइनल जैसा खिताब हो भी चेन्नई जैसी टीम को हरा कर जीतना है तो आपके हर खिलाड़ी को अपना बेस्ट देना होगा, और कहीं ना कहीं मैं फिर से कहूंगा दिनेश कार्तिक और इयान मॉर्गन दो सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, इन दोनों का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है और अच्छा करना ही पड़ेगा। और बल्लेबाजी में केकेआर के लिए अच्छा किया है तो अनकैप्ड प्लेयर ने ही किया है, चाहे वो नीतीश राणा हो, अय्यर हो या फिर राहुल त्रिपाठी हो, और आपके अनुभवी खिलाड़ी लगातार आउट ऑफ फॉर्म है, और दिल्ली के खिलाफ जिस तरीके से केकेआर खेला वो केकेआर को जीत तो मिली लेकिन वो केकेआर के लिए हार से कम नहीं थी। बिल्कुल देखिए बिल्कुल, और एक तरफ इस समय पे लग रहा था दिल्ली ने मैच फंसा लिया जबकि स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, ऐसा बड़ा कारण था कि दिनेश कार्तिक जल्दी आउट हो गए, इयान मॉर्गन से उम्मीद थी लेकिन वो मैच ऐसी स्थिति पे फंसा के चले गए कि वहां से राहुल त्रिपाठी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो कहीं ना कहीं और नरेंद्र की भी बल्लेबाजी फ्लॉप हो गई, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से उभरना। आपके पास फिनिशर नहीं है केकेआर के पास, और जबकि सीएसके के पास फिनिशर हैं, सीएसके के लिए राहुल दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर तक बल्लेबाजी कर सकते हैं। देखिए आपके पास फिनिशर हैं, आपके पास फिनिशर दिनेश कार्तिक के रूप में हैं, लेकिन आपका फिनिशर जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है, तो कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक को अपना रोल समझना होगा, कप्तान इयान मॉर्गन को जिम्मेदारी देनी होगी, उनको रोल समझाना होगा, और ये नहीं बोलना चाहिए कि केकेआर के पास साकिब अल हसन है, वो आए किसकी जगह पर है, आंद्रे रसेल की जगह पर, और साकिब अल हसन अनुभवी खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट का उन्हें खासा अनुभव है, तो कहीं ना कहीं उन्हें आंद्रे रसेल की भूमिका अदा करनी होगी, चाहे वो गेंदबाजी हो और चाहे बल्लेबाजी हो। बिल्कुल आकाश, अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किसकी भूमिका अदा कर पाता है, लेकिन चेन्नई के लिए भी राह आसान नहीं है, उनके सामने भी केकेआर जैसी मजबूत चुनौती है, केकेआर लगातार इस फेज में शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि आईपीएल की ट्रॉफी किसके हाथों में नजर आने वाली है, क्या किंग खान का सपना पूरा होगा या एमएस धोनी अपने सपनों में 4 चांद लगाएंगे। हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी हिंदुस्तान।